सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्माइली फ्लावर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए जो है होम डेकोर डीआईवाईज फैशन लाइफस्टाइल से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू वीडियो कलर एसेंस के कुछ प्रोडक्ट्स का। कलर योर स्प्रिट बहुत अच्छी इनकी टैग लाइन है और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट पैक्ड होकर रिसीव्ड हुए हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पंज वगैरह रखा था तो वो मैंने इस तरह से ये देखिए रखा हुआ है और हर एक प्रोडक्ट जो है वो सेपरेटली पैक्ड होके आया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये वाले हालांकि मैंने कलर एसेंस के मंगवाए तो और भी प्रोडक्ट हैं, बस ये वाले जो पैकेज में रिसीव्ड हुए हैं इसमें तीनों कॉम्पैक्ट पाउडर रिसीव्ड हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और साथ ही साथ वर्केबल हैं। मीन्स अफोर्डेबल होके इतने अच्छे से वर्क करते हैं। इससे पहले मैं कलर एसेंस के प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो पुराना वाला वीडियो था वो भी 3-4 साल पुराना है जो मैंने कलर एसेंस पे बनाया था। और ये इनके एक मैंने न्यू लॉन्च मंगवाया है और बाकी ये थोड़ा बहुत पैकेजिंग में डिफरेंस हो गया। कलर एसेंस कलर्स योर स्प्रिट, इसमें मैंने जो इस तरीके से सारा चीज़ें हैं कि बहुत टोन कर देता है स्किन को, बहुत लंबे वक्त तक के टिकता है। MRP की अगर बात करें तो 160 रुपीज़ इसकी MRP है। 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। 6 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है और जो इनके शेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इंडियन टोन को बिलोंग करते हैं CP1 बेज, CP2 आइवरी बेज, CP2 डस्की, CP4 पिंकिश, CP5 स्नो वाइट, CP6 पीच। और इनमें से जिस भी शेड के बारे में आपको देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे वीडियो बनाया था ताकि आप पढ़ पाएँ। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रिसीव्ड होता है। इसमें बहुत इसके जो स्पॉन्ज की क्वालिटी है बिल्कुल भी यूज़ एंड थ्रो वाली नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हमारे फेस पर लगने में हेल्प करता है। और अगर आप स्पंज नहीं यूज़ करते हैं, अगर आप इस कॉम्पैक्ट को हम ब्रश से भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये पिक एंड पेस्ट होता है फेस पे, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और मुझे जो लगा मतलब मीडियम कवरेज नहीं है इसका, हाई कवरेज होता है, इससे पहले भी मैंने बताया है। और ये इसके ऊपर पन्नी लगी हुई थी तो मैंने सोचा स्वॉच करके दिखा देती हूँ। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक यही लगता है मुझे इसमें कि इसका जो मिरर होता है वो नीचे दिया होता है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कई ब्रांड में ये चीज़ आती है, मिरर सामने होता है तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ईजी टू अप्लाई और उसका मसला रहता है। और इसका शेड आपने देख लिया है, नॉर्मल स्किन टोन का है, बहुत अच्छा है। और ये ऑयली से लेके आई थिंक सारे स्किन टोन पे जाता है, स्किन क्वालिटी पे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो है हाई डेफिनेशन कॉम्पैक्ट पाउडर और ये ब्रश के साथ आता है। इसका जो MRP है वो 450 रुपीज़ है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 360 रुपीज़ का मुझे पड़ गया था। इसमें मैंने जो शेड ऑर्डर किया है वो है FP सॉफ्ट बेज और इसका भी मैं 4 साइड में लगा दूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगी। कुछ इस तरह के पैकेजिंग के साथ आता है। इसकी पैकेजिंग जो है वो भी ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि बहुत अच्छे से पैक्ड हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है। और ये जब रिसीव्ड हुआ तो पूरा ही सील पैक था। बहुत ज़्यादा जो कॉम्पैक्ट होता है कलर एसेंस के पाउडर होते हैं, इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया, लेकिन जो इससे पहले वाला दिखाया था मोस्ट अफोर्डेबल है, मोस्ट वर्केबल है, स्किन पे बहुत लाइट रहता है। डेली यूज़ करते हैं तब भी स्किन में कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करने को नहीं मिली और कम से कम 6 से 7 कॉम्पैक्ट तो अकेले मैंने ही यूज़ किए हैं, बाकी मैंने जिसको भी रिकमेंड किया है किसी ने भी प्रॉब्लम्स नहीं बताई हैं अभी तक के। लेकिन ये वाला जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसको अंदर से खोल के लगाना होता है। मैं पहले वाले को स्प्रेड करके देख रही थी कि ब्रश की क्वालिटी कैसी है, तो ओवरऑल ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल में आता है, कांच की बॉटल नहीं है तो ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिल्की है, वेटलेस है, फॉर्मूला इसका मैट फिनिश प्रोवाइड करता है ये भी, और इसका स्टेइंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। और आई थिंक ये मुझे थोड़ा और ज़्यादा लाइट लगा वो वाले के कंपैरिजन में, लेकिन ये है कि जैसे थोड़ा महंगा है तो हम लोग जिनके बजट में है वो इसको भी डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके बजट में नहीं है तो वो इवेंट पे इसे यूज़ कर सकता है और डेली यूज़ में वो वाला कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसको टेयर करना था, आगे वाली वीडियो में अभी आपको दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ होल्स थे उस तरह से कॉम्पैक्ट बाहर आ रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं किया ताकि
मुझे यूज़ नहीं करना था। इसका भी कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, सही था, और जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। बाकी इसके जो भी चीज़ें मेंशन की हैं वो भी स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये भी प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इसके ब्रश की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है, क्योंकि अच्छा ब्रश भी 200-300 में, मतलब 200 का मिलता है अगर सिंगल पाउडर ब्रश लेते हैं। तो इसमें पाउडर प्लस, मतलब ब्रश प्लस कॉम्पैक्ट लूज पाउडर दोनों दिया हुआ है। तो लूज़ पाउडर क्या होता है, वो इजीली अप्लाई हो जाता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने अभी इसमें यही शेड ऑर्डर किया है। कलर एसेंस के और भी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं, आ जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये दो क्यों ऑर्डर किए, तो मैंने ये दो नहीं ऑर्डर किए हैं, ये दो अलग शेड में ऑर्डर किए हैं। जो सेकेंड वाला शेड है वो आई थिंक CP4 है, क्योंकि वो थोड़ा लाइट इन शेड है, और वो मैंने अपनी मम्मा के लिए ऑर्डर किया है। मैं अपने लिए थोड़ा डार्क ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है एज़ कम्पेयर टू माई मॉम। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।